हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तपन गौड़ा। वेलकम यू ऑल टू ए न्यू एपिसोड ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। आज आम पढ़ाक जा सौरभ टेस्ट पेपर रो सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर। ओके, 2022 रो जो सौरभ पेपर आर सॉल्यूशन आम करा वन बाय वन टे सॉल्व करवा। समस्त को अगेन वेलकम करुच्ची डांस स्टडी सर्किल तरफ रू। आउ जहाँ को भल लगे वीडियोटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर वन को जी के क्यों मान के एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आ फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो समीकरण लेखचित्र दुईट परस्पर समांतर सरल रेखा रही। अच्छा, लेखचित्र दुईट जिते परस्पर समांतर सरल रेखा रोचार पारलेल एल वन एल वन पारलेल टू एल वन एल टू केते होंती जेते समीकरण द्वयर गोटे सर्त अच्छी ना ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू ना इक्वल टू सी वन बाय सी टू हमें अर्थात आम कहीपर ए वन बाय ए टू के बिले ना के बाय टू ए समीकरण ए बोले क्या धरी ना के को ए वन बाय ए टू के फोर के बाय फोर इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू दैट मीन ये थ्री अच्छी किंतु आर कोएफिशिएंट के माइनस वन अच्छे तो माइनस थ्री बाई एपटे माइनस सिक्स। ठीक अच्छे तो कैंसल कर दिया थ्री वन टू वन बाय टू आसो तो के बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय टू देन क्रॉस मल्टीप्लाई कले कैसे हम टू के इज इक्वल टू फोर के इज इक्वल टू के फोर बाय टू दैट मीन्स टू। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियरली बुझला। द नेक्स्ट गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक सरल रेखार एक समीकरण हेब ना केतबेले। अच्छा, गोटे समीकरण केतबेले हो आम साधारण समीकरण जानचे गोटे सरल रेखार ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एटा कौन दुईटा अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे सरल समीकरण दुईटा अज्ञात राशि विशिष्ट दुईटा अज्ञा सी कहला केतबेले सरल समीकरण हेब ना सरल समीकरण केतबेले हेब ना जिते ए इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू जीरो हो माने केत हम बी वाई प्लस सी एक घात एक एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण होदि बी भी जीरो हम कौन हम जे इटा भी एक बी जीरो एक्स प्लस सी रोले यहाँ भी एक घात एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण हो जेतेबेले दुईटी जाक टोटाली जीरो हम माने ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो हम तेब खाली कन्स्टांट पदटा रो स्थिरांक पदटा रो स्थिरांक पदटा रही के सरल समीकरण हम कि तो अर्थात आर आंसर के ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक अच्छे, तो निम्नलिखित मध्य क्यों सरल समीकरण द्वारा अनन्य समाधान रहा। अच्छा, अनन्य समाधान बोले ना ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू ए वन बाय ए टू नाट इक्वल टू बी वन बाई बी टू यहाँ हूँ अनन्य समाधान सर्त। तो अनन्य समाधान सर्त कौटी पालन हो देखिद ना ये देख थ्री बै सिक्स इज इक्वल टू वन बै टू। अच्छा, थ्री बै सिक्स मान के वन बै टू ये भी वन बै टू ये के माइनस टू बै माइनस थ्री। ठीक अच्छे ना, तो सही आम कि ना ये दुटा भितर आम लिंक ना तो थ्री बै सिक्स इक्वल टू वन बै टू सामान हो जा अर्थात फास्ट समीकरण आम जानदेले ना यहाँ कौन हो सर्त को पालन करूनि। देख ए समीकरण में कौन जे ना थ्री बै ए वन बै ए टू थ्री बै सिक्स इज इक्वल टू कौन वन बै टू बी वन बै बी टू ए वन बै ए टू इज इक्वल टू बी वन बै बी टू हो जा वन बी वन किसी ना बोले एक अच्छे ना आगे बी वन बै बी टू अर्थात वन बै टू इज इक्वल टू वन बै टू ए दुटा सामान हो जाए तो यह सर्त को पालन कला कि ना। ठीक से चेक करवा दुई बै छः इज इक्वल टू माइनस पाँच बै माइनस पंद्रह दुई बै छः इज इक्वल टू माइनस फाइव बै माइनस फिफ्टीन तो दुई बै छः मैंने एक बै तीन माइनस फाइव बै माइनस फिफ्टीन एक बै तीन तो यहाँ भी सामान पड़े आसला तो यहाँ भी ए सर्त को पालन कला ना। नेक्स्ट जावा एक बै तीन एक बै तीन इज इक्वल टू के आस माइनस टू बी के माइनस टू बै माइनस टू माइनस टू बै माइनस टू पड़े माइनस टू कैंसल दैट मीन्स वन हो वन बै थ्री इटी के वन दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू वन तो यहाँ कौन ए समीकरणटा ए सर्त को अनन्य समाधान सर्त को पालन कर। ओके, तो ऑप्शन सीटा हम यार करेक्ट आंसर। तो यहाँ देख ए प्रश्नटा टी यूनिक अच्छी
तो 99x + 47y प्लस आउ गोटे समीकरण होची 47x + 98y। तो ये दुटा समीकरण जब लेखचित्र परस्पर को क्यों बिंदु रे छेद करिवे लेखचित्र द्वय कोण हेबे बा क्यों बिंदु रे छेद करिवे बोल देखो जदि आमे जानिचे गुटे सहज तत्व ना ax + by + c = डाकार सरल समीकरण शर्त ए सरल समीकरण शर्त भितर आमे कोण जानचे ना सबबेले कांस्टेंटटा नथाय कांस्टेंटटा थाय किंतु एटी कोण कांस्टेंटटा नाही कांस्टेंटटा नाही बेले हमर सहज गुटे उत्तर अछि ना x = 0 हबो y = सबबेले 0 होतो हला आंसर समाधान दुटा जति आमे नबा a1x + b1y a2x + b2y जदि आमे साधारण समीकरण टा केते x = 0 y = 0 तो x = 0 y = 0 दि मु ग्राफ टा काटिबे देखो तो ये एक्स ये वाई ये एक्स डैश ये वाई डैश तो x = 0 एक्स अक्षर 0 वाई अक्षर 0 बोले ए बिंदु आईला एटार भी ए समीकरण टू के आसो ये दुटार समीकरण तो समाधान x = 0 y = 0 तो समाधान टा को बिंदु जे आम मूल बिंदु ठार समाधान टा हो बुझे ना तो अन्य गोटे समाधान नब बोले आ गोटे आम जब समाधान नवा x = के आसो ना गोटे x = आस इमें जदि पॉइंट काढ़ी काढ़ा बहुत गुड़ा आसो यहाँ यहाँ भी सैटिस्फाई हे x = 0 y = 0 यहाँ भी यहाँ ये दुटापाई भी सैटिस्फाई हे x = 0 y = 0 तो ये दुटा समीकरण कौन आंसर गोटे मूल बिंदु में मिसला आउ अन्य गोटे जिनस जदि नब अन्य गोटे बिंदु जदि नब गोटे जदि कौन नवा आम -1 को है y = -2 नवा ओके तो x = -1 को ये 2.1 आसो सरी समाधान कले 2.1 आसो आ हिसाब से 99 समाधान कले है तुम्हें टी चेक कर तो यार समाधान करुच जो यार समीकरण टाइम आसो यार भी जो समाधान करवा हाँ गोटे आसो x = कौन 2.0 ने बट 0.8 ने प्राय y = के y = आसो -1 ठीक अच्छे तो एमती ये समाधान जब नवा यही समीकरण पर जेहेतु आम देखुचे है तो ए दुटा को आम चेक कर 0 घे तो ये नवा कौन आसो ये ए बिंदु नहीं कि ए पखापाखि प्राय बिंदु आड़क एमती प्राय जीव मान ये चतुर्थ पाद मिसो ये एदर मूल बिंदु मिसो नहीं तर चतुर्थ पाद कि अन्य कौन से उत्तर आसो अन्य पाद कितु आउ अन्य कौन से उत्तर होबना एक्स अक्षर है कि वाई अक्षर है प्रथम भूत पाद रहा ना तो आम आम हिसाब से सहजरे कौन आउ कि ना यू जेहेतु ऑप्शन मूल बिंदु ठार अच्छी तो मूल बिंदु ठार ऑलरेडी मिसी जाऊँगी गोटे आंसर हाँ एक्स एटार भी x = y = ए समीकरणटा भी x = y = मैंने यार 0 हम यहाँ भी 0 हो समाधान होगा ऑटोमेटिकली तो आंसर कौन है मूल बिंदु ठार यहाँ मिस ठीक अच्छे नेक्स्ट 3x + 4y + 8 है kx + ये समीकरण द्वय संगत व निर्भरशील अच्छा पहले संगत और निर्भरशील शर्त कौन कह संगत समीकरण द्वय संगत व निर्भरशील निर्भरशील शर्त कौन ना जानते a1/a2 b1/b2 = c1/c2 संगत व निर्भरशील गोटे हूँ संगत स्वतंत्र गोटे हूँ संगत निर्भरशील आ गोटे हूँ समाधान असंगत व असंगत समीकरण तो संगत निर्भरशील कर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो बर्तमान यहाँ देख केर मानटा का डर थे तीन बै के a1/a2 बोले 3/k b1/b2 बोले 4/8 c1/c2 बोले ये के देख ये माइनस ये आसो कहीं आम जानूँ समीकरणटा एपटे रहा कथा किंतु एपटर जेहेतु रही है कौन आस -8/-16 आस -- कैनसल तो 18/16 4/8 मैंने 1/2 यहाँ भी 1/2 अर्थात मुझे गोटे 1/2 नहीं पारि तो 3/k = 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कले के = के 6 ओके तो के र मूल्य 6 आसो ऑप्शन सी होची आरो राइट आंसर ठीक अच्छे तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा
से कहे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 देखिए क्यों जोड़ा मान एक्स आउ वाई क्यों मानपी ए दुईटा समीकरण समाधान सिद्ध है मानने एक्स आउ वाई प्रॉपर वैल्यू बाहर थी मानने ए समीकरण एक्स वाई वाई वैल्यू पकड़े समीकरण दुटा सैटिस्फाई हो मानते जीरो आसतु है इपटे एल एच एस इक्वल आर एच एस आसतु ए समीकरण ठीक अच्छे तो आम पक मूल्य आगे चेक करवा हाला जदि संभव है तो देख ये देख मुझ एक्स जगार जब माइनस फोर पकई वाई जगार माइनस टू पकई तो माइनस फोर माइनस फोर माइनस अफ के माइनस टू अर्थात माइनस फोर प्लस टू ही आंसर के माइनस टू रे पड़े आसूँ तो आमको ये के टू आस तो ये आंसर सैटिस्फाए हो नेक्स्ट ये पकेबा यहाँ चार ये माइनस अफ फोर माइनस टू चार माइनस अफ माइनस टू के माइनस माइनस प्लस हो चार प्लस टू इज इक्वल टू छाटा भी सैटिस्फाए हो नेक्स्ट पकड़ा तो माइनस चार माइनस अफ ये के वाई एक्स जगह ये प्रथम एक्स हो सब द्वितीयटा वाई होगा तो माइनस फोर माइनस अफ वाई जगह टू है तो माइनस सिक्स आसी जाऊँच तो ये टू हाँ पड़ो जेहतु यहाँ भी सैटिस्फाए है तो यहाँ सैटिस्फाए है बोले यहाँ निश्चय हम आनटा जेहतु मूल सैटिस्फाए है आईटा सैटिस्फाए हाँ बाध्य तो चार माइनस दुई चार माइनस दुई बोले दुई आस ठीक अच्छे यू सैटिस्फाए कर देख तो चार स्क्वेयर सिक्सटीन दुईर स्क्वेयर फोर तो सिक्सटीन माइनस फोर इज्कल टू ट्वेल्व होटोमेटिकली तो आम जान लें जेहतु आंसर एति तो आंसर इज फोर ओके नेक्स्ट से कहला दुईट समीकरण संगत हेले उक्त समीकरण द्वय द्वारा सूचित सरल रेखा द्वय सब जेहेतु कौन संगत स्वतंत्र हम बोले दुईटा सरल रेखा सब कौन हो परस्पर छेदी होल वन आल टू परस्पर छेदी होेतु संगत स्वतंत्र यहाँ सर्त अच्छी बुक्रे भी तुम्हें चेक कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ आसवा जदि एक्स स्क्वे यहाँ दिहादी समीकरण प्रश्न आक्स स्क्वे प्लस एक्स प्लस फोर इज कल जीरो गोटे बीज अंटर दुई गुण तेज ए रान के अच्छा पिले गोटे मूल दुआ बीज दुआ को आम कौन नौ आलफा बीटा तो गोटे मूल आलफा इज इक्वल टू मनकर दुई गुणकार बीटार ठीक अच्छे तो आलफा इज इक्वल टू टू बीटा है हाउ ठीक अच्छे तो आम कौन कार मान पचार ए रान पचार ए र तो ए रान आगे काढ़ आगे कौन काढ़ आम जानचे जे आलफा इज इक्वल टू टू बीटा आम सत आए आलफा प्लस बीटा के कहल आलफा प्लस बीटा माइनस बी बै माइनस बी बै ए अच्छा आलफा प्लस बीटार मूल्य आना आगे आलफा ये के टू बीटा तो आलफा जगह टू बीटा प्लस ए बीटा पक तो माइनस बी बोले के माइनस ए रूल्य आस ए जगह के किसी ना बोले आर कोफिशिएंट ए तो एक तो माइनस ए आस थ्री बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बुझे ना तो बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय थ्री ये आमको किसी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू किसी मिलला ना तो ठीक अच्छे बामक ए इज इक्वल टू के आसा ठीक अच्छे आम हिसाब से माइनस ए इज इक्वल टू थ्री बीटा हेले ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बीटा ठीक अच्छे कौन से असुविधा ना पकईदे नेक्स्ट आलफा बीटार वैल्यूटा के बाबा कहल ना सी बाय आम फर्मूला जानचे तो सी बाय बोले फोर बाय एक बुझे ना तो आलफा इंटू बीटा के फोर बाय वन तो आलफा बीटा फोर बाय वन आलफा बीटा फोर आका आस तो आलफा इंटू बीटा फोर है आलफा के आलफार मूल्य जान आलफा इज इक्वल के टू बीटा सरी आलफा जगह टू बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू फोर टू बीटा इंटू बीटा बोले टू बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू टू बीटा स्क्वेयर इज इक्वल के टू तो बीटा स्क्वेयर जेहेतु टू बीटा इज इक्वल के रूट टू आस बीटार वैल्यू के बीटार वैल्यू रूट टू आसे आम ए जगह मूल्य जानचे के माइनस थ्री इंटू बीटा माइनस थ्री इंटू बीटा बोले के माइनस थ्री इंटू बीटा जगह रुट टू ओके तो माइनस थ्री रुट टू इज द करेक्ट आंसर आंसर के माइनस थ्री रुट टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्लियर तापर से कौच के क्यों मानपी के माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस के माइनस टू एक्स प्लस टू रिघाती समीकरण दु विजय दुए सामान है तो के रत भैल्यू पकड़े यहाँ सैटिस्फाए हम बा दीघाती समीकरण रीज दुए सामान हम अच्छा बीज दुए सामान है आलफा इज इक्वल टू बीटा ना आलफा इज इक्वल टू बीटा सर्त पालन के ना बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हाँ को पड़ो बा डी इज इक्वल टू जीरो हाँ को
पड़ा आलफा इज इक्वल टू बीटा मैंने डी इज इक्वल टू जीरो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एस इज इक्वल टू जीरो हवा को पड़ा। ठीक अच्छे तो यहाँपाई आम यूर आगे पकेबा मूल्यटा बी जगह के ना के माइनस टू रोल स्क्वायर माइनस फोर ए जगह के माइनस टू सी जगह के सी जगह टू इज इक्वल टू जीरो तो के माइनस टू रोल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टू एट हो माइनस एट इंटु के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक अच्छे तो एपटे समाधान कले यहाँ ए माइनस बी रोल स्क्वायर फर्मूला पकई काट तो के स्क्वायर प्लस टू रो स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए जगह के बी जगह के टू माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर तो ना माइनस एट के माइनस माइनस ये कौन हो प्लस सिक्सटीन जेहेतु तुम मेट्रिक पिला डायरेक्ट करा चेस्टा करें सबू सहज गणित गुड़ाक से मुझे स्पीड करुच्ची तो फोर माइनस ये के फोर के माइनस एट के प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो तो के स्क्वायर माइनस के एट फोर जै ट्वेल्व ट्वेल्व के ओके प्लस सिक्सटीन फोर्टीन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व के प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो तो के रो वैल्यूटा के प्रथम देख यू आम पक चेक करदे जना पड़ज ओके के रो वैल्यूटा ये आम के सी कहला के रो क्यों मानापाई ना समीकरण दुईटा कौन विजय दुई समान काटदे समीकरणटा प्रथम समीकरणटा काटदेलापर हाँ टी समाधान करके आम कौन समीकरणटा को टे सल्व कर दीजिए सल्व होगा देख तो यहाँ के आस गए ये पकड़े दुई दुई रक्वेर चार चार माइनस के फोर माइनस ये बार चौ के बार दुणे चबीस फोर इंटु ये बार के जगह टू ही पड़ोना तो टू इंटु ट्वेल्व बैठ समाधान करदे आहरी बेटर हम के आसो मल्टीप्लाई कला टू है ट्वेंटी मिस माइनस ट्वेल्व अच्छा टू रे काटले टेन दुई दस तो अर्थात कैसे जो के स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो हम ना नहीं तो के कॉमन काटले ये के सॉरी के तो के कॉमन काटले के माइनस टू ओके ये माइनस टेन कॉमन काटले के माइनस टू इज इक्वल टू के आसो जीरो अर्थात के माइनस टू जब होल रु कॉमन काटे के माइनस टू इंटु के माइनस टेन इज इक्वल टू के जीरो तार अर्थ कौन के माइनस टू अर्थात मुझे यहाँ को नहीं डिवाइड करदेवि के माइनस टेन आगे रोक के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अर्थात के वैल्यू के आसो टू कि मुझा जब डिवाइड करी के माइनस टेनटा के आसो जीरो आसो तो के इज इक्वल टू टेन के मूल्य टू आसो के मूल्य टेन आसो है के मूल्य दुई बा दस हम आर करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन जावा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यहाँ सेट वन रखिले है मन रख सेट वन ना दीघाती समीकरण मूल द्वय आल्फा और बीटा हेले वन बाय आल्फा प्लस वन बाय बीटा इज इक्वल टू के टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन दीघाती समीकरण मूल द्वय जदि आल्फा और बीटा हुए तेज आम वन बाय आल्फा प्लस वन बाय बीटा पचास हाउ ठीक अच्छे तो वन बाय आल्फा प्लस वन बाय बीटा ये टी सल्व कले के आस जदि एलसीएम ना आल्फा बीटा आसो आल्फा बीटा लस आगे ना आल्फा बीटा तो आउ कौन एटर के आल्फा प्लस बीटा आसो आसो ना नहीं आसो तो आल्फा प्लस बीटा के जानचे आम माइनस बी बाय पकेबा आल्फा बीटा जगह के सी बाय पकेबा तो आल्फा प्लस बीटा जगह के आसो माइनस बी बाय बोले माइनस फाइव बै माइनस बी बोलो माइनस अफ ये के फाइव जगह माइनस अफ माइनस फाइव बै ए जगह के दुई होल डिवाइड बाय सी बाय बोले के ना यहाँ सी जगह माइनस एक बै दुई माइनस एक बै दुई एपटे टू को यहाँ टू कैनसल हो तुम जाच नेक्स्ट्रे ये के आसो माइनस माइनस प्लस हो पाँच बै ये माइनस एक अर्थात माइनस पाँच आसा तो माइनस पाँच ही तो करेक्ट आंसर हो। ठीक अच्छे देख भल से टे देख है तो आर माइनस पाँच हो कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एतिकी रे प्रभेदक किए प्रभेदक बोले डी
ए प्रभेदक डी ए समीकरण डी इज इक्वल टू आम जानते बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जेहतु बी स्क्वायर बोले के माइनस ए स्क्वायर हो जगह के माइनस ए अच्छे माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए जगह के सी अच्छे फोर ए जगार सी सी जगार के माइनस बी आम जानते डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आमर जदि ए समीकरण थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ओके ए समीकरण आम कौन जानचे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किंतु आम ए समीकरण कथा देखुचे ना जेहेतु ए समीकरण कथा देखुचे है बी बी जगह के पक बी जगह माइनस ए अच्छी तो माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए जगह के सी अच्छी सी जगह के माइनस बी अच्छी तो सल्व कले के आस माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 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 ये कौन हो प्लस हो फोर बी सी ए स्क्वायर प्लस फोर बी सी तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस टू सी रूल्य डैश हेल्ले बीज माइनस एक हम ओके तो सी रूल्य के गोटे बीज कौन आस माइनस एक आस अच्छा बिल्ले ठीक मनेकर अल्फा बीटा कौन नवा जीरो नवा है अल्फा और बीटा सरी कौन अल्फा आउ बीटा मूल दुए कौन ना अल्फा आउ बीटा अल्फा और बीटा हेल्ले आम अल्फा बीटा के जानते अल्फा गुण ना बीटा ना सी बाई हला सी बाई अल्फा बीटा के सी बाई बोले के दुई बाई तीन ठीक अच्छे तो दुई बाई तीन बोले आमर गोटे मूल सी जी माइनस एक कौच गोटे मूल कौन माइनस एक हम बोली कही तो गोटे मूल माइनस एक पका इंटू बीटा के दुई बाई तीन अर्थात बीटा इज्कल के आस माइनस टू बै थ्री आस मन ध्यान देखिए यहाँ कौन हो माइनस एक एपटे पड़ो हैपटे जा मल्टीप्लाई कौन हो डिवाइड हो डिवाइड हो गले से माइनसटा ऊपर रही है ठीक अच्छे माइनसटा कि ना तो बीटार मूल्य पड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा के तुम ये आउ गए कथ मन रख हेल्ले बीटार मूल्य तो ये अल्फा इज्कल टू तो मुझे माइनस एक नहीं अल्फा बीटार मूल्य पड़े अल्फा प्लस बीटा के सी बै आम जानचे सुत अल्फा प्लस बीटा के सी बाई ए ना तो सी बाई ए जेहेतु सी बाई ए जेहेतु अल्फा प्लस बीटा सी बाई अल्फा के जानचे आम माइनस बी बाई माइनस माइनस बी अल्फा के माइनस एक बीटा जगह के माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू सी बाई सी जगह के सी जगह आम सरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई सरी पिले अल्फा प्लस बीटा भूल लिखि दीजिए माइनस बी वाई तो माइनस बी वाई बोले कहते माइनस ये बी जगह के पड़ो सी पड़ो ना आम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो समीकरण जदि नवा अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी वाई सूत्र जानचे ए समीकरण है तेणुक ए समीकरण जेहेतु नौचे अल्फा प्लस बीटा के अल्फा जगह तो माइनस वन आलचे बीटा जगह के माइनस टू बै थ्री आनचे तो ये बीटा माइनस बी बै जगह माइनस बी माइनस अफ ये बीटा जगह माइनस सी अच्छी है डिवाइड बाय ए जगह तीन ठीक अच्छे तो ये सल्व कले के आस पे माइनस वन माइनस टू बै थ्री है तो पे आम देखी जे माइनस फाइव बै थ्री आसो है माइनस फाइव बै थ्री इज कल के सी बै थ्री एपटे भी सी बाई थ्री यहाँ जब कंपेयर करवा एपटे थ्री कैनसल हो अर्थात के सी इज इक्वल टू के आस इज इक्वल टू माइनस फाइव सी इज इक्वल टू माइनस फाइव आंसर ए जे करेक्ट हम ठीक अच्छे नेक्स्ट आम क्वेश्चन नंबर तेर को जी पी रैश मानपाई एति समीकरण बीज दुए परस्पर गुणात्मक विलम्बी अच्छा गुणात्मक विलम्बी कहे के मनकर मूल दुए अल्फा बीटा गुणात्मक विलम्बी जेहेतु हे गुणात्मक विलम्बन बोले अल्फा गुणन बीटा के आसोजे एक आसो आ गुणात्मक विलम्बी बोले कौन आम जानचे गुणात्मक विलम्बी दुईटा जदि राशि गुणन हेल्ले एक आसो तो गुणात्मक विलम्बी कह जाए है तो अल्फा गुणन बीटा के एक आसो पी रो मानपाई ए समीकरण में अल्फा बीटा जीरो आस कौन आसो एक आसो तो बर्तमान सल्व करद पीटा आगे आल्बे अल्फा अल्फा गुणन बीटा अल्फा बीटा अल्फा गुणन बीटा जगह के आम जानचे नर्माल सूत्र सी बाई ए जगह के पक पी बाई टू हम है ये पकई पारे आम अल्फा बीटा जगह बर्तमान प्लेस कर पी बाई टू बोली कहीं अल्फा बीटा सी बाई ए जानचे तो सी बाई ए जगह पी बाई टू इज इक्वल टू वन तो पी रूल्य के पिले एक गुणन दुई इज इक्वल टू दुई तो पी रूल्य के टू आंसर डी इज करेक्ट ठीक अच्छे तो ये
समीकरण द्वारा परस्पर जोगात्मक विलम्ब है ठीक से मूल द्वय कौन कही जोगात्मक विलम्ब जोगात्मक विलम्ब बोले कौन आम जानते आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जीरो हम कौन जदि दुईटा संख्या मिसला बेले जीरो हम सीटा हूँ जोगात्मक विलम्ब गुण न कला जो एक हम सीटा हूँ गुणात्मक विलम्ब तो आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जीरो तो आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जीरो बोले आल्फा प्लस बीटा जगह आम माइनस बी वाई इज इक्वल जीरो बोले लिखिपर तो आल्फा बीटा जगह क्या माइनस बी वाई के माइनस बी वाले के बी वाले पी प्लस टू अच्छी तो माइनस पी प्लस टू बाई ए ए जगह दुई इज इक्वल टू जीरो है ठीक अच्छे तो बर्तमान सल्व कले के माइनस अफ पी प्लस टू इज इक्वल टू ये जीरो सहित मल्टीप्लाई होगी के जीरो इंटु टू हो जीरो इंटु टू जीरो तो ये बर्तमान मुझे लिखिपर ये माइनसटा को एपटे जब मुझे घेन माइनस जीरो अर्थात जीरो आगे हो तो पी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखिपर पी इज इक्वल के आसो माइनस टू आस पी इज इक्वल के आस माइनस टू आंसर इज डी तो एतिक रे टी सेवेन रूल्य केटा एपी रु आसान्तर प्रगति बा एपी रु तो जीरो माइनस फोर माइनस एट ट्वेल्व एतिक रे टी सेवेन रूल्य के अच्छा केते आगे डीटा साधारण अंतर के डी जीरो तापर के माइनस फोर रु जीरो फेल के अंतर हो माइनस चार एपटे भी पुणी थे माइनस चार बढ़ी माइनस बार है एपटे भी देख सब जगह साधारण अंतर के माइनस चार माइनस चार माइनस चार बढ़ी जेहेतु आम सततम पद काटे आम सततम पद आराम काटिद है सूत्र पक कि अन्य को उपाय हो अन्य को उपाय मैंने कौन एक दुई तीन चार नंबर पदटा मिल जाइए पाँच छः सात आउ तीन टा गणी गणी काटिद माइनस तीन रे माइनस चार मिसले माइनस चार मिसले माइनस बारे माइनस चार मिसले माइनस षोह आस माइनस षोह ठीक से माइनस षोह माइनस चार मिसले माइनस कोड़े आस माइनस कोड़े जदि आम मिसेबा तो गोटे काम करदे एमती हेल्ले विरक्त हे कहीं आम हईरा हाँ तो टी एन रूत्र कह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आमको कहते टी सेवेन पचार एन जगह एन इज इक्वल टू सात दी तो टी सेवेन इज इक्वल ए जगह कहते जीरो एन माइनस वन बोले कहते सेवेन माइनस वन डी जगह कहते साधारण माइनस चार तो के कहल एट तो जीरो सात रु एक छः इंटु माइनस चार तो माइनस ट्वेंटी फोर हम आंसर है तो ये ऑप्शन रे ना ही जेहेतु क्वेश्चन रो आंसर भूल अच्छी है तो आंसर टा कोई लिखिदे एमती बाय मिस्टेक प्रिंट कौन भूल हो जाए बहुत गुड़ाए है तो यहाँ करेक्शन करपसन रोथर भी टी सेवेन रूल्य ना तार आंसर हम माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ओके नेक्स्ट आम क्वेश्चन नंबर षोह को जीवा एक्स थर्टीन वाई ट्वेंटी सेवेन ये एपी रे रे एक्स रान के पचार एक्स रान आमको पचार अच्छा ठीक अच्छे एक्स रान जेहेतु पचार देख टे एपिटा को भलसे टे देख एक्स तेर वाई ट्वेंटी सेवेन आमको के कार मान पचार एक्स रैल्यूटा पचार अच्छा ठीक अच्छे आम साधारण आर यूक साधारण जहाँ हम यू एति साधारण आम आउ टे गोटे सल्व करदे तो बर्तमान मुझे ये फेड़ी एटा मध्य डी आसो साधारण यू एति फेड़ी साधारण के सेम आसबूना साधारण कौन कहीं जेहतु एपी अच्छी साधारण दुटा जगह सामान हम मुझे लिखिपर वाई माइनस थर्टिन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन माइनस वाई बोल कहीं एपी अच्छे मैंने तो अर्थात मुझिपरिजे वाई प्लस ए माइनस वाईटा को एपटे आस प्लस वाई हो सतईस प्लस तेर होते आस चालीस होगा टू वाई इज इक्वल टू चालीस वाई इज इक्वल टू चालीस बै दुई इज इक्वल टू कोड़े वाइर मूल्य के आसला कोड़े वाइर मूल्य वाइर मूल्य जेहेतु कोड़े आईला आम लिखिपर जे कौन आम पुनर्वा एक क्षेत्र को देखने आम प्रथम क्षेत्र को देखने प्रथम क्षेत्र को देखा तेर माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्टिन माइनस एक्स जहाँ आइब ये वाई माइनस थर्टिन भी ताब ना वाई माइनस थर्टिन भी ताब साधारण सामान ना जेहेतु सब सब साधारण गोटे एपी रान तो यू टे देख थर्टिन माइनस एक्स जहाँ आइब के आसो वाई माइनस थर्टिन भी से आसो तो थर्टिन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई जगह के ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस थर्टिन तो थर्टिन माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थर्टिन गल के सेवेन तो एक्स इज इक्वल टू केवेन थर्टिन माइनस सेवेन दैट मीन सतर रु सात तेर रु सात गले छाला तो आंसर इज डी ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे तो देख ये गोटे लॉजिक अच्छे
रूट टू तापर रूट एट रूट एटीन सप्तम पदटी टी सेवेन के पचार टी सेवेन रूल्यटा के पचार आम आराम काटदे रूट आठ बोले के टू रूट रूट एटीन बोले के थ्री रूट टू है इमित जदि गोटे गोटे गणी गणी ना सप्तम पद पचार बहुत किसी आमको देख ये टी सेवेन पचार प्रथम टू रूट रुट टू अच्छी एपी जेहेतु अच्छी बोल रुट टू तापर एट रुट एट बोले के टू रुट टू रुट एटीन बोले के थ्री रुट टू सप्तम पदटी के टी सेवेनटा के गणी गणी ना सेवेन रुट टू आसो सेवेन रुट टू आएन कि टू रुट टू थ्री टू रुट टू टू रुट टू थ्री रुट टू फाइव फोर रुट टू फाइव रुट टू सिक्स रुट टू सेवेन रुट टू आसला सेवेन रुट टू बोले के रुट टू है फोर्टी सतर स्क्वयर अणचाश है सात स्क्वयर के अणचाश ये रुट टूर स्क्वयर जो कम कर टू होगा रुट कदा होल रुट कदा बोले ये पलि आस तो यहाँ के रुट नाइंटी एट पलि आस सतर स्क्वयर जी आम से अणचाश करा सत रुट सतर रुट पड़ा ये मुझे रुट देवी रुट टू टाक उठेदेवी है रुट टू आसा ये हिसाब से मूल रुट टू आसो आंसर हो रुट टू नाइंटी एट है तो बर्तमान देख सत तेर उन्नीस के पदटी दुईश पाँच हो अर्थात टी एनटा मुझे दुईश पाँच एन तम पदटा के दुईश पाँच दे तो एतिकर के पद आमको है टी एनटा पचारे कि आमको एनटा दे दीजिए दुईश पाँच बोल एनटा के दुईश पाँच बोल सरी सरी पे यहाँ आमको एन रैल्यूटा दे दीजिए टी एन रैल्यूटा दुईश पाँच बोल कि एन रैल्यूटा के पचार ठीक अच्छे आमको के पदटा पचार आम जानचे टी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन एन टू डी टीएन रूल्य के टीएन रूल्य के टीएन रूल्य दुईश पाँच एटा के प्रथम पद ए सात ये दुई सात प्लस एन माइनस वन तो जानने डी जारी के पके डी साधारण के तेर सात गले चार समाधान कर तो यहाँ के दुईश पाँच माइनस सात इज इक्वल टू फोर एन माइनस फोर हो मल्टीप्लाई कले तो यहाँ के दुईश पाँच रु सात गले दुईश पाँच रु एपटे जदि मुझे नहीं गोटे काम कले हे ना हाँ दुईश पाँच माइनस सात ये के प्लस फोर इज्कल फोर एन हो तो ये माइनस सात प्लस फोर के माइनस तीन दुईश पाँच माइनस तीन इज इक्वल टू फोर एन ठीक अच्छे तो माइनस सात ये चार जेहेतु तीन आस तो दुईश पाँच रु तीन गल फोर एन इज इक्वल टू दुईश दुई एन इज इक्वल के दुईश दुई बै फोर बोधे कौन भूल है सरी पे ये कौन ना डी रैल्यूटा के तेर रु सात गले छ आसो है छो सिक्स एन हो सरी तो ये सिक्स हो प्लस सिक्स ओके प्लस सिक्स हो गले यहाँ माइनस सेवेन प्लस सिक्स के माइनस वन हो तो कैसे आसो दुईश चार पड़े आसो दुईश चार ये एनटा के सिक्स एन जेहेतु ये सिक्स हो सल्व कले के छत्रिक अठर उन्नीस कोड़े ओके दुई चबीस छः चौ चबीस चौतरीशतम पदटे आस आंसर आंसर थर्टी फोर हो करेक्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट गोटे एपी रीएन देक साधारणतर डी के अच्छा टीएन जेहेतु दे दीजिए सिक्स एन प्लस टू टी वाटा के आसो सिक्स इंटू वन प्लस टू मान सात छई आठ आस टी टूटा के आसो छः इंटु दुई प्लस दुई अर्थात छः बार दुई चौदह आसो टी थ्रीटा के आसो छः इंटु तीन प्लस दुई अठर प्लस दुई कोड़े आसो आठ चौदह अठर ए सरी आठ चौदह कोड़े एम अटोट गला आठ चौदह गले छः चौदह छः गले कोड़े एमती गला तो साधारणत डी के आसला जे ना चौदह माइनस आठ चौदह माइनस आठ गले छाला साधारणत के छाला तो लास्ट क्वेश्चन कोड़े नंबरटा कर रखीद थ्री सेवेन एतिकर दशतम पद दस टी पदर जोगफल के मान एस टेन के पचार दस टी पदर जोगफल के एस टेन जेहेतु पचार एस टेन के एस एन रूत्र पका ए प्लस एन बै टू
इंटु टू ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी आर फर्मूलाटा जानते एस एन के तो ये आसा जानते तो एस एन टाइम पचारे दस टी पदर जगफल एस एन जगह के टेन पकड़ा एस टेन टाइम पचार एन जगह दस बै दुई टू इंटु ए जगह केत ए सरी ए जगह तीन प्लस एन माइनस वन बोले केन जगह तो दस जान लें दस पदर जगफल दस माइनस वन इंटु डी डी जगह केत माइनस तीन इक्वल चार सल्व कले एस टेन के आस दस गले पाँच इंटु ये दुई छ प्लस दस माइनस एक नौ चौ छत्तीस दस माइनस एक नौ चौ छत्तीस है तो छत्तीस रे छे के बयालीस तो फाइव इंटु फोर्टी टू है तो समाधान के ना पाँच दुण दस शून रखिए एक पाँच कोड़े एक एक टू टेन इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक अच्छे तो समस्त को नमस्कार पुणे आम आउ गोटे क्वेश्चन लेकिन आसपू रही।